का पूरा आपको लिखवाना है सिर्फ, ठीक है ना। तो आज का क्लास पूरा पूरा लिखवाना है, 11 बजे का बैच है ये, काफी खूबसूरत बैच है। इस बारिश के मौसम में सैटरडे को भी क्लास लिया जा रहा है, देख रहे हो सब लोग मूसलाधार बारिश के बीच। ग्रेट सर, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, आई एम इंदु, गुड रासिंगर, सारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। इट्स रेनिंग सर, बिल्कुल रेनिंग हो रहा है बेटा, बाहर में बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है सर। मेरा देवाशीष एज 87, 27 साल के है कि 8 साल के हो। एकता गुप्ता, श्रद्धा सिंगर, आई एम कोमल, आई एम शान, हैं महेश ब्रजवाल, राजस्थान, हाय सर, आई एम लोकनाथ, सुनाल, नंदनी सोनी, आई एम तुषार कपूर, आई एम अंश, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरा डाउट है, पूछो क्या डाउट है सोनू भाई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एडजेक्टिव का क्लास चल रहा था, पहले वो कैप देखते हैं, N25 इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये देखो यहाँ पे वर्ड है स्कीजम, स्कीजम का मतलब होता है फूट डालना, स्कीजम मतलब फूट डालना, विच्छेद करना, अलग करना, स्कीजम का मतलब फूट डालना, विच्छेद करना, अलग करना। तो स्कीजम को याद कर लो, स्कीम, एक स्कीम है सरकार का, फूट डालो राज करो, अंग्रेज यही तो करता था कि फूट डालो राज करो। तो स्कीजम का मतलब विच्छेद करना, फूट डालना, तो स्कीजम स्कीम, स्कीजम स्कीम, कैसा स्कीम है, फूट डालो राज करो, है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेपरेशन करना, डिवीजन करना, एंटोनिम्स हो जाएगा यूनिटी करना, अकॉर्ड करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोबिट, ब्रोबिट का मतलब धमकाना, डराना, ब्रोबिट, ब्रोबिट मतलब डराना, धमकाना, धमकी देना, ब्रोबिट कहलाता है। ब्रोबिट को याद कर लो आईब्रो, ब्रोबिट आईब्रो। पत्नियां पति को किसे डरा देती हैं, आईब्रो से, पति को आईब्रो दिखा दी, पति कांप जाता है उतना से ही, आया कोई एक्शन नहीं लेता, ब्रोबिट, यानी आईब्रो से पीट, बीट मतलब पीट देना, तो ब्रोबिट आईब्रो से पीट देती है, धमका देती है, तो आईब्रो से धमकाती रहती पत्नियां, है कि नहीं। इंटीमिडेट कर देना, थ्रेट कर देना। रेवरेंस, रेवरेंस कहते हैं आदर को, सम्मान को, रेवरेंस, रेवरेंस मतलब आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। रेवरेंस को याद कर लो रिवर, रेवरेंस रिवर गंगा, यानी गंगा रिवर का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो रेवरेंस रिवर, रेवरेंस रिवर, यानी रिवर गंगा का हम लोग क्या करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साला सिटी, साला सिटी का मतलब होता है अश्लीलता, कामुकता, साला सिटी मतलब अश्लीलता, कामुकता। साला सिटी, सिटी में आके, साला सिटी में आके क्या हो गया, अश्लील हो गया, कामुकता हो गया, सारे अश्लील काम कहाँ होते हैं, सिटी में। तो सिटी में आके क्या हो गया, अश्लील हो गया, साला सिटी, सिटी में आके क्या हो गया, अश्लील हो गया, गंदा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, इंसर्जेंट मतलब विद्रोही, इंसर्जेंट, सारे एजेंट क्या होते हैं, विद्रोही होते हैं, इनसर्जेंट, सारे एजेंट विद्रोही किस्म के होते हैं, जो भी एजेंट का काम करता है सब क्या होगा, विद्रोही होगा। रेपरेशन, रेपरेशन मतलब क्षतिपूर्ति, रेपरेशन रीऑपरेशन, रेपरेशन रीऑपरेशन। अब मान लो किसी का ऑपरेशन एक बार किया और दोबारा करना पड़ रहा है तो क्षतिपूर्ति मांगेगा ना जी। जैसे एक मूवी देखा होगा अक्षय कुमार का, उसके पेट में एक घड़ी छूट जाता है और
करीना कपूर हीरोइन रहती है, देखा है तुम लोग? देखते क्या हो फिर सिनेमा में, देखा करो अक्षय कुमार और करीना कपूर। तो अक्षय कुमार के पेट में ऑपरेशन करती है करीना कपूर, और उसके पेट में एक वॉच छोड़ देती है घड़ी, और वो घड़ी जो है बजता रहता है कुछ, है ना। तो करीना कपूर को याद आता है कि उसकी घड़ी छूट गई पेट में, अब उसको जो है गायत्री मंत्र कुछ मंत्र बजता रहता है पेट में, तो बड़ा बेचैन होता है क्या बज रहा है। तो करीना कपूर उसको जो है फिर से एक बार ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा, री ऑपरेशन, वही ना बड़े रेपरेशन क्षतिपूर्ति। अब उसके ऑपरेशन करने के लिए वो तैयार होता नहीं है, अब कैसे कहे कि मेरी घड़ी छूट गई है। तो फिर उसको फ्री का मोहब्बत करना पड़ता है, फिर प्यार करती है, तो वो तो नाटक करती है प्यार के लिए कि लड़के को सही में प्यार मोहब्बत हो जाता है। फिर ऐसे करते करते फिल्म तो यही सब कुछ ना कुछ नाटक होगा ना, फिर प्यार अब हो ही गया तो हो गया फिर। तो रेपरेशन मतलब क्षतिपूर्ति, रेपरेशन क्षतिपूर्ति। सर मैं आपको ऐसे ही डराती हूँ, सर मैं आपको ऐसे ही डराती, हमको डराती हो, कौन डराती हो? ठीक है चलो। ओम मंगल, अच्छा ओम मंगलम मंगलम गाता है ना, हाँ ओम मंगलम मंगलम बजता रहता है सर। तो मूवी का नाम बताओ फिर, नया नाम लीजिए सर, शाह आलम। मूवी का नाम क्या था बेटा? मुझे अब आपसे बात करना है और मैं आपके घर के पास रहता हूँ। मेरे घर के पास रहते हो, मेरा घर पता है तुमको? अच्छा मूवी का नाम है मैम ना, मैम कोई नाम थोड़े है। प्रिया सिंह, मूवी का नाम ओम मंगलम मंगलम बजता है। अच्छा कम वक्त इश्क, वाह कितनी बढ़िया तैयारी है। मूवी का नाम है कम वक्त इश्क, कम वक्त इश्क, बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है तुम लोगों का, बहुत बढ़िया। मूवी का नाम है कम वक्त इश्क, ठीक है। तुमने क्या कहा? रिपरेशन मतलब क्षतिपूर्ति, तेरी ऑपरेशन करे क्या देना होगा? क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन देना होगा, कंपनसेशन हो गया ना इस तरह से। अगला बढ़े प्रोफिलगेट, प्रोफिलगेट का मतलब होता है चरित्रहीन, प्रोफिलगेट चरित्रहीन। तो प्रोफिलगेट प्रॉफिट गेट, गेट पर ही प्रॉफिट मांग रहा है, मतलब चरित्रहीन आदमी है। प्रॉफिट कहाँ मांग रहा है? गेट पर। सप्पल, सप्पल कहते हैं लचीला को, सप्पल को याद करो चप्पल से, चप्पल कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, चप्पल टाइट नहीं होना चाहिए, चप्पल कैसा होना चाहिए? लचीला। तो सप्पल चप्पल चप्पल सप्पल, सप्पल चप्पल लचीला होना चाहिए, तो सप्पल मतलब लचीला, ठीक है, सप्पल मतलब लचीला। नेक्स्ट वर्ड है हैकनियड, हैकनियड का मतलब होता है घिसा पिटा, हैकनियाड घिसा पिटा, हैक हैकनियाड हैक। अब किसी के साइट हैक कर लिया किसी ने, और वो क्या था? घिसा पिटा था, किसी का कोई साइट हैक कर लिया, हैक कैसे क्या हुआ? घिसा पिटा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है होमली, होमली का मतलब होता है उपदेश, होमली, होम लिया था उपदेश देने के लिए कि उस पर बैठ के उपदेश दूंगा, तो होमली, होम लिया था, किस लिए होम लिया था? उपदेश देने के लिए। तो होमली का मतलब होता है उपदेश देना, होमली उपदेश देना, होमली उपदेश देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सब वर्ड आपको याद हो गया होगा, नीचे का बेसिक वर्ड देख लो एक बार। अच्छा नीचे बेसिक वर्ड खत्म हो गया बात से, ठीक है, बहुत सुंदर तैयारी, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पार्ट चल रहा है एडजेक्टिव का, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसका नाम है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने बताया था कि डिटरमिनर्स और एटी में क्या अंतर है, फिर चर्चा किया था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नंबर लिखवाया था। तो आज पूरे 8 जो है हम लोगों को पढ़ लेना है, ये जो 8 लिखवाया था ना, ये 8ों आज खत्म कर देना है, ये 8ों आज, चूंकि एडजेक्टिव बहुत बड़ा टॉपिक है ना, उसमें डिग्री पढ़ना है, उसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, इसको स्पीड तेज करना पड़ेगा। तो हेडिंग बनाइए, पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला हम लोगों का है
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना जी, इसी को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप क्वालिटी कहो या फिर क्वालिटेटिव कहो, इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो दुनिया में ध्यान देना, एडजेक्टिव पढ़ रहे हो आप, तो एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन और प्रोनाउन के आगे पीछे लग के उसकी तारीफ करना, उसको क्वालिफाई करना। यानी दुनिया का वह एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो सारा शब्द एडजेक्टिव है। लिख लो, द एडजेक्टिव दैट, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, द एडजेक्टिव दैट, द एडजेक्टिव दैट डील्स, DEALS, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, द एडजेक्टिव दैट डील्स, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सर आपको बहुत नॉलेज है, आप मल्टी टैलेंटेड हो। देखो लड़का कैसे पॉलिश मार रहा है। सर नौका का मीनिंग क्या, आपके बात करना चाहता हूँ, MD आफ्ताब भाई हैं फिर से सर। चलो कोई नहीं, आप सब, आप सारे बच्चों से बात करूँगा क्लास खत्म होने के बाद, लगातार 1 घंटे का क्लास बात आपसे करूँगा, आज नहीं ये खत्म होने के साथ, ठीक है ना, चिंता ना करो। और ऐसे भी बात कर, देखो आज हर दिन पढ़ा रहा हूँ आपको, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, लगातार दे रहा हूँ क्लास। चलो आगे देखो, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी वह एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता हो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल लिखो, गुड, बैड, गुड, बैड, गुड, बैड, रेड, ब्लू, ब्लैक, गुड, बैड, रेड, ब्लू, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटिफुल, रेड, ब्लू, गुड, बैड, टॉल, TALL, टॉल, शॉर्ट, SHORT, ब्यूटिफुल, शार्प, SHARP, शार्प, अगली, UGLY, अगली, ATC। एग्जाम्पल, I have a black dog। तो यहाँ बोलो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि आप जैसे ही बोलते हो I have a black dog, डॉग क्या है, नाउन से पहले कौन रहता है, यहाँ ब्लैक क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, क्लियर। और एक क्वालिटी बता रहा है कुत्ते का, कुत्ता कैसा है, काला है, यहाँ आता आई हैव अ रेड डॉग तो कुत्ता कैसा होता, रेड होता, आई हैव अ वाइट डॉग कुत्ता कैसा होता, वाइट होता, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से एडिटिव क्वालिटी खत्म हो गया। दूसरा लिखिए, एडिटिव ऑफ क्वान्टिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर टू, नंबर टू क्या है बाबू, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा। यानी दुनिया का वह एडजेक्टिव जो मात्रा दिखाता हो, है ना, लिखो, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस
द एडजेक्टिव द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस ई एक्स पी आर ई डबल एस ई एस द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी वह एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के मात्रा को दिखाता हो हाँ मात्रा को प्रदर्शित करता हो उसे क्या बोलते हैं हम क्वांटिटी। अब आपको लग रहा होगा कि गुड बैड ही होता है एडजेक्टिव, नहीं। अब एक बात सीख लेना है कि नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द हो सब होगा एडजेक्टिव। एग्जाम्पल लिख लो सम एस ओ एम ई सम एनी मच एम यू सी एच मच सम एनी मच ए लॉट ऑफ A lot of, lots of, a lot of, lots of, ठीक है बाबू, whole, W H O L E, whole, W H O L E, whole, all, A double L, all, enough, E N O U G H, enough, E N O U G H, enough, E N O U G H, enough, sufficient. S U double A five C I E N T sufficient. S U double A five C I E N T sufficient. None N O N E none. Most M O S T most. Little a little the little. Little a little the little. Little a little the little. Little. A little, the little. पढ़ाऊंगा ना आगे एडिटिव में, इसे पढ़ाना तो है। एग्जाम्पल लिखो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास There is a little water in the glass. There is a little water in the glass. Clear? तो ये हो गया additive of quantity. आगे लिखिए number 3 additive of number. Adjective of number. Additive of number. लिखिए The adjective that shows the number of a noun or pronoun. The adjective that shows the number of a noun or pronoun. The adjective that shows the number of a noun or pronoun. The adjective that shows the number of a noun or pronoun. The adjective that shows the number of a noun or pronoun. And वह adjective जो noun pronoun के संख्या को दिखाता हो, जैसे बोलते हो ना one room set, two room set, तो one room set तो room हो गया noun और one हो गया adjective. तो one two three भी क्या है adjective है, ध्यान देना. Example लिखो one two three dot dot. Next, last, first, second, dot dot. And some, many, and some, many, few, a few. Few, a few, the few, sufficient,
ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ, समझ पा रहे हो, ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ एनफ ईटीसी। तो ये सारे सब जो हैं वो संख्या को दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, सफिशियंट, एनफ, आपके क्वांटिटी भी आया था। इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे शब्द हैं इस दुनिया में जो मात्रा के साथ साथ संख्या को भी दिखाते हैं, मात्रा के साथ साथ संख्या को भी दिखलाते हैं। जैसे सफिशियंट वाटर, सफिशियंट स्टूडेंट, है ना, सम स्टूडेंट्स, सम वाटर, कुछ पानी भी हो सकता है, कुछ विद्यार्थी भी हो सकता है, जो संख्या के साथ साथ मात्रा को भी दिखाता है उसको बोलते हैं। क्योंकि ये सब नाउन से पहले है, इसको कहोगे तो संख्या दिखाएगा। जैसे हम बोले सम स्टूडेंट्स आर कमिंग, तो कुछ विद्यार्थी है तो संख्या दिखा रहा होगा ना भाई, एक तो नहीं आ रहा होगा, एक आता तो वन बोलता, सम बोल रहा था कुछ, या तो बोलेगा फोर स्टूडेंट्स आर कमिंग, तो संख्या होगा ना चार ही आ रहा है, तो चार स्टूडेंट्स क्या हो गया, चार, देखो थ्री फोर आया ना जी, तो चार नंबर हो गया, सम हो गया तो क्वांटिटी भी हो गया, नंबर भी हो गया। कुछ सिर्फ सम माल बोला कि सफिशियंट स्टूडेंट्स है, जैसे इस बैच में मान लो 50 की कक्षा है, समझ पा रहे हो, मान लो क्लासरूम में 50 बच्चों बैठने की क्षमता है, तो बोला कि सफिशियंट स्टूडेंट्स आ गया है, इसका मतलब 50 आ गया होगा, तो काउंटिंग तो मन में चल रहा है, मात्रा भी हो गया, सफिशियंट वाटर है मतलब पानी कितना है, पर्याप्त है रात को, तो कुछ आई हैव सम, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है, सब मिल्क करो, सम वाटर करो, सम स्टूडेंट्स करो, सम रुपीज करो, जो मन करता करो, कुछ भी सम के जो दोनों को शो करता है, सम हुआ, यहाँ पे देखो लिटिल लॉट ऑफ हुआ, है ना, ए सफिशियंट हो गया, एनफ हो गया, ये सब के लिए आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, हाँ यस, एग्जाम्पल लिखो, आई हैव फोर रूम्स, आई हैव फोर रूम्स, आई हैव फोर रूम्स, आई हैव फोर रूम्स, तो यहाँ पे रूम्स हो गया नाउन, फोर हो गया नंबर, यानी फोर को पूछे क्या है, तो एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चूंकि संख्या को भी दिखाता है। नंबर फोर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडिटिव, ध्यान देना इसे डेमोन्स नहीं, इसे डी पढ़ते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेट, डी डी डी, एक पढ़ेगा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स नहीं, डिमोन्स्ट्रेटिव, डी इसमें ना, क्या पढ़ोगे, डिमोन्स्ट्रेटिव। अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडिटिव क्या कहता है भाई, तो आपको पढ़ा होगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी याद करो, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, बोलो पढ़ा नहीं पढ़ा है, देखो बेटा आप समझा, घबराओ नहीं, फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे ऐप में क्लास ले रहे हैं बिल्कुल चिंता ना करो, आपकी चिंता मेरी चिंता है, हर एक चीज को बड़े बारीकी से पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बरी ना हो, हर चीज को बड़े बारीकी सिखाऊंगा, तरीके से चलूंगा, ठीक है। ठीक है ना, चलिए, तो आप चिंता ना करें, सब पढ़ाऊंगा मैं। तो क्या लिखा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडिटिव, यानी कि हमने दिस दैट दिस दोज पढ़ाया होगा आपको, तो लिखिए व्हेन द वर्ड दिस दैट दिस और आज यूज्ड, व्हेन द वर्ड, सब पढ़ाया होगा वही रिपीट करना है, लिखिए फटाफट, व्हेन द वर्ड दिस that these and those
When the word this, that, these and those are used, when the word this, that, these, those are used before the noun, When the word this, that, जो पढ़ा रहा हूँ इसके सिवा है तो इसको कॉपी करो, नहीं है तो काटो, यहाँ लाने की जरूरत नहीं अभी, नहीं सब लास्ट में. तो क्या कहा, when the word this, that, these and those are used before the noun is called demonstrative adjective. ठीक है, चलिए. तो कहां पढ़ा, तो दिस दैट दीज एंड दोज आर यूज बिफोर द नाउन, इट इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडिटिव. अब दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कहां करेंगे भाई, बिफोर द नाउन, नाउन से पहले. अब ये चीज पहले पढ़ा चुका हूं, तो इसको दो स्ट्रक्चर देखिए, यानी कि दिस दैट दीज और दोज, अगर इसके बाद नाउन ना लगाए तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. इसके बाद नाउन लगा दिया तो क्या बन गया, ये एडिटिव. तो बताया था कि दिस और दैट बोलो क्या है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, बोलो दिस और दोज क्या है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल. दिस और दीज का प्रयोग बोलो कहां करते हैं, दैट और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं, दिस का हिंदी, दैट का हिंदी, दीज का हिंदी, दोज का हिंदी. समझ में मुद्दा, लिख लिया इसको. ठीक है, एग्जांपल देखो, मैं लिखा दीज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस. These are girls. अब देखो these boys, boys क्या है तुम्हारा, noun से पहले बोलो क्या रहता है, तो यहाँ पे these क्या काम कर रहा है. अब देखो इस these के बाद कोई noun है क्या, तो ये these क्या बन गया, pronoun. वही these pronoun है, वही these adjective है, वही these, this is a pen, pronoun.
दिस पेन इज कॉस्टली एडजेक्टिव. ठीक है, सर डिप्रेशन क्यों डिप्रेशन हो गया बेटा तुमको? बुक कैसे मंगाएंगे सर? सर तुमको सर ही बताएं, नंबर जो चल रहा है इस पे कॉल कर लो, ये जो नंबर है ना इस पे कॉल फोन कर लो, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट नंबर 5 है, पजेसिवेटिव. पजेसिव का पूरा चार्ट बनवाया होगा, चार्ट पूरा, और उस चार्ट के तहत पूरा काम करवाया होगा. लिखो व्हेन द वर्ड माय, आवर, योर, हिज, हर, dear, when the word my, our, your, his, her, his, dear are used, AR लिखा हुआ है, are used, और used लिखा हुआ है, are used before the noun is called. When the word my, our, your, his, her, their are used before the noun, it is called possessive adjective. जब my, our, your, his, her का प्रयोग noun से पहले किया जाए उसे हम possessive adjective कहते हैं, ठीक है? जैसे example लिखा हमने, this is my chair. Chair क्या है भाई? Noun. Noun से पहले कौन आया? माई. माई क्या हो गया? एडजेक्टिव. ठीक है ना? बोलते हैं दैट इज योर डॉल, दैट इज योर डॉल. यहां पे दैट तो प्रोनाउन है, पहले ही पढ़ लिया. योर हो गया क्या? एडजेक्टिव. डॉल क्या हो गया? नाउन. अब एक सेंटेंस में एक एक चीज पहचानना तुमको आ गया. दैट भी प्रोनाउन, इज एग्जेक्टिव, योर एडजेक्टिव, डॉल नाउन. देख रहे हो ना सेंटेंस कैसे बनता है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भर, यही तो खेल है. ये चीज तुमको आ गया, अंग्रेजी बोलना भी आ गया, लिखना भी आ गया, समझना भी आ गया. नहीं जी, कोई पूछे कि दैट क्या काम कर रहा है तो क्या कहोगे? प्रोनाउन का. रवि ने पढ़ाया बाबले. इज क्या है? वर्ब का. योर क्या है? एडजेक्टिव. डॉल क्या है? नाउन. क्या कष्ट. तो कहते हो अंग्रेजी स्ट्रांग हो रही है, तो अंग्रेजी स्ट्रांग करेगा. दिस क्या है? प्रोनाउन. इज क्या है? वर्ब. माय क्या है? एडजेक्टिव. चेयर क्या है? नाउन. तो जब एक एक चीज का पता है तो लगाना भी तो आ सकता है, समझा ना? तो अंग्रेजी देखो होता क्या है कि जिस क्षेत्र को हम नहीं जानते हैं उस क्षेत्र को जानने का मन करता है, क्योंकि हम लोगों का भाषा अलग है. तो वो चीज नया चीज मिलता है तो हमको इन एंड आउट पूरा चाहिए ज्ञान, भले उसका यूज हो चाहे ना हो, भले बाद में तुमको दिस क्या मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्ञान मिल गया कि दिस के बारे में ज्ञान हो गया तो परफेक्शन हो गया. मुंबई 4-5 बार घुमाओगे फिर अकेले भी जाना होगा तो टेंशन नहीं होगा, लेकिन पहली बार जाओगे तो टेंशन धक धक करेगा कि पता नहीं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ. पकड़ पा रहे हो? इस तरह चीजें बनती है. आई एम अक्षय. बहुत बढ़िया अक्षय बेटा, समझ रहे हो? बुक कितना दिन बाद मिलेगा? तुरंत मिल जाएगा. आज कॉल करोगे कल पहुंच जाएगा. सर सर्विस अच्छा नहीं है तो मेरा बच्चा थोड़े आंस देने जाएगा. सर्विस अच्छा नहीं है, अरे कुरियर से मिलता है बेटा. सर अब घंटी बज रही है दिमाग में. सर इट्स क्या होगा? इट्स इसी में आ जाएगा. सर बुक कितना दिन बाद,
एक एक बात समझने का प्रयास करो, सब समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट नंबर कौन सा है, जैसे हो गया ना लिखो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, INTERRO, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव। तो WH वर्ड अगर नाउन से पहले हो लिख लो, वेन WH वर्ड इज यूज बिफोर द नाउन, लिखो वेन WH वर्ड इज यूज्ड, वेन WH वर्ड इज यूज्ड बिफोर द नाउन, वेन WH वर्ड इज यूज्ड बिफोर द नाउन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जब WH शब्द का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए तो उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इस एग्जांपल दिया हमने व्हिच कार डू यू लाइक, तो यहाँ जो कार है वो क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या रहता है भाई, एडजेक्टिव। तो व्हिच कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव का। बोलो कोई परेशानी, तो हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 7 लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव याद करो क्या कहा था, ईच एवरी आइदर नाइदर, याद आ रहा है ना, लिखो व्हेन द When the word each, every, either and neither are used before the noun is called डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने कहा ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, याद आ रहा है वो दिन, नाउन से पहले प्रयोग किया जाए और उसमें कहा था कि एवरी एक सिंगल वर्ड है जो प्योर एडजेक्टिव है, ये बिना नाउन का अकेले हो ही नहीं सकता, याद आ रहा है वो दिन, ईच एवरी Either, neither are used before the noun. It is called distributive adjective. ठीक है, आप इस तरह के स्ट्रक्चर लिख सकते हो, इसको स्ट्रक्चर में ऐसे दे सकते हो, each, every, either, neither plus noun. ठीक है ना, इसका ईच एवरी में क्या अंतर बता दिया था, आइदर नाइदर का हिंदी क्या और बढ़ा दिया था, इसलिए इसका नाम है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। इसी का नाम क्या है, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। आइदर देखो ईच का हिंदी होता है प्रत्येक दो के लिए, एवरी का मतलब प्रत्येक दो से ज्यादा के लिए, आइदर का हिंदी होता है दो में से कोई एक या दोनों, नाइदर का हिंदी होता है दोनों में से कोई नहीं। प्रोनाउन टॉपिक देखो सब लिखवा चुका हूं इडियट, चलो एग्जांपल लिखो, ईच बॉय इज हैप्पी, इज लेगा क्या लेगा, एवरी बॉयज की एवरी बॉय, आर की इज सब भूल गया तुम लोग, दो दिन पहले पढ़ा था, तुम लोग क्या सीखेगा अंग्रेजी, चाहो तो नोट में लिख लो, ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिंगुलर होता है, भर भी लेता है सिंगुलर, ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिंगुलर होता है
और भर भी लेता है सिमिलर ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिमिलर होता है और भर भी लेता है सिमिलर ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिमिलर होता है और भर भी लेता है सिमिलर ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिंगुलर होता है और भर भी लेता है सिंगुलर ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिंगुलर होता है और भर भी लेता है सिंगुलर तो भी ब्लंडर जब सिंगुलर है तो बॉयज कैसे होगा कैसे कर देंगे गलत नहीं होगा ईच एवरी आइदर आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर जब सिंगुलर ही लेता है नाउन भी प्रोनाउन भी भर भी तो क्या दिक्कत एक नोट नंबर टू में लिखो नोट नंबर टू में लिखो प्रोनॉमिनल एडिक्टिव को प्रोनॉमिनल पी आर ओ एन ओ एम आई एन एल का लिखवाया था ना जी हाँ लिखो प्रोनॉमिनल एडिक्टिव को प्रोनाउन टॉपिक से पढ़कर प्रोनॉमिनल एडिक्टिव को प्रोनाउन टॉपिक से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन टॉपिक से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए ये एडवाइस है सलाह प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन टॉपिक से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए ठीक है आगे बढ़िए नंबर लास्ट प्रॉपर एडिटिव प्रॉपर एडिक्टिव जो है ये बनता है प्रॉपर नाउन से लिखो द एडजेक्टिव विच इज द एडजेक्टिव विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन द एडजेक्टिव विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है मैं कभी सपनों में सोचा था कि सामने कोई बच्चा नहीं रहेगा और हमको ऐसे ही बकना पड़ेगा एक बजे के बैच में ये तो होता है ना बिल्कुल बकना रहता हूँ ऐसे ही या इस बैच में भी ऐसे ही कोई नहीं ऐसी बकरा हूँ ये तो अलग बात है कि आंख बंद करो तो हजारों लाखों बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं अलग बात है ऐसे क्या है इसी को वर्चुअल लाइफ कहते हैं नॉट रियल तो क्या हुआ द एडजेक्टिव विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन यानी वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है ठीक है इसके लिए एक बॉक्स लिखना पड़ेगा एक साइड लिखना पड़ेगा प्रॉपर नाउन इसी से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे सर जैसे आप बोलते हो इंडिया इंडिया से बनता है इंडियन अमेरिका क्या बनता है भाई अमेरिकन तो आप देख रहे हो ए एन लगा के अमेरिका अमेरिकन कनाडा कैनेडियन कनाडा कनाडा हो गया कनाडा क्या बन जाएगा जी कैनेडियन हाँ कैनेडियन ये भी लिख सकते हो गलत नहीं होगा कहते हो तो सी कर देता हूँ तुम्हारी मर्जी ठीक है आप कर सकते हो आप दिल्ली तो दिल्ली का दिल्ली आइट डबल आई हो जाएगा पटना का
पटनाइट, पटना का पटनाइट है, हाँ। बिहार का बिहारी, बिहार का बिहारी, पटना का पटनाइट, दिल्ली का दिल्हाइट। अब ए हो गया एडजेक्टिव, यानी कि इंडियन आर्मी, ऐसा नियम नहीं है, याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। इसके प्लस पॉइंट क्या समझिए, ये बन गया एडजेक्टिव, लेकिन इसको फिर से नाउन बना सकते हो प्लस एस या ईएस लगा के। कैसे, जैसे इंडियन को बोल दो इंडियंस, अमेरिका को बोल दो अमेरिकन्स। अब अमेरिकन्स कहने से फिर से बन गया प्लूरल नाउन, ये नया चीज सीख लिया आपने। यानी इंडिया बोलते हो इंडियन हो गया एडजेक्टिव, यानी इंडियन का उपयोग बिना नाउन का नहीं होगा, इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियंस आर, यानी इंडियंस अकेले प्रयोग हो सकता है। इंडियंस आर ब्रेव, भारतीय लोग बहादुर होते हैं, तो इंडियंस का मतलब हो गया भारतीय लोग। ये प्लस पॉइंट मिल गया तुमको, नया नया वो कैब मिल गया। इंडियंस, अमेरिकन्स, पेटनाइट्स, डेलहाइट्स आर क्रूएल, दिल्ली के लोग बड़े निर्दयी होते हैं, है ना। बिहारीज आर काइंड, सो काइंड, बिहार के लोग बड़े दयालु होते हैं। पेटनाइट्स आर इंटेलिजेंट, धर्मेंद्र देखो कितना इंटेलिजेंट है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है, तो ये कैनेडियंस, अमेरिकन्स, ये सब चीज़ होता है। तो क्या हो गया, ये सब हो जाता है एडजेक्टिव और ये होता है प्रोनाउन। ठीक बेटा, ये था एडजेक्टिव का एक बेस, जो आपका बेस बन गया। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होगा, इसका नाम है डिग्री। डिग्री बेसिकली अलग क्लास नहीं है, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है, लेकिन टॉपिक अलग हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, डिग्री। तो अगला जो क्लास हम लोगों का होगा वो एडजेक्टिव में डिग्री क्लास होगा। आज तो शुरू ही करूँगा, ख़त्म हो जाएगा डिग्री, बुरा एक क्लास दो क्लास का टॉपिक ना है, वो भी एक अलग चैप्टर है। कुछ लोग इसको अलग से पढ़ाते हैं और कुछ लोग उसे एडजेक्टिव में ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो अलग पार्ट होगा। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही बढ़िया लगा आप लोगों के साथ, क्लास कल भी लगेगा हम लोगों का, कल आपका डिग्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कल भी क्लास ले रहा हूँ या छोड़ दूँ क्या, ये लगातार छुट्टी हो जाएगा फिर।